चरखी दादरी में नगर परिषद के कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल की राह पर चल पड़े हैं। नगर परिषद कर्मचारी संघ के प्रधान सूरज कुमार की अगुवाई में कर्मचारी चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय परिसर में एकजुट हुए और धरना देते हुए भूख हड़ताल शुरू की। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें, भूख हड़ताल के दौरान दूसरे विभागों के कर्मचारी संगठन भी उनके समर्थन में नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार उनका आंदोलन आर पार का होगा। अगर कौशल रोजगार निगम को खत्म नहीं किया गया और उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, तो वो फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों के साथ हुए समझौतों से मुकरने के भी आरोप लगाए। वही नगर परिषद कर्मचारी संघ के प्रधान सूरज कुमार ने कहा कि सरकार को मांगों के संदर्भ में बार बार चेतावनी देने और समझौते के बाद भी उन्हें जमीन पर लागू नहीं किया गया है, इसलिए अब सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके बाद हम 19 और 20 अक्टूबर को टूल डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे और तब भी मांगे न मानने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, जिसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। मांग है कि हरियाणा सरकार से कि कौशल रोजगार ले को भंग किया जाए और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, ठेके पे लगे हुए हैं, जो पेरोल पे लगे हुए कर्मचारी उनको पक्का किया जाए, ठेके पे लगे हुए कर्मचारी को कौशल रोजगार ले से बाहर किया जाए, इनको सम्मान काम सम्मान वेतन दिया जाए और जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं उनको 100-100 गज का प्लाट और पक्के कर्मचारियों को इनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आगे की रणनीति है हमारी कि आज 11 और 12 तारीख को हमारी भूख हड़ताल है। आज हम भूख हड़ताल 5 बजे तक बैठे हैं, सुबह 9 से 5 बजे तक, और 19 तारीख को सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 19 और 20 को हम कति शहर में काम नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में काम नहीं करेंगे। हम इस हड़ताल को लंबी लेके जाएंगे अगर सरकार हमारी 20 तारीख तक मांग मान लेती है तो। बहरहाल, नगर परिषद के कर्मचारियों की कड़ी चेतावनी के बाद सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। चरखी दादरी से पुनीत श्योरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।